जगदलपुर स्थित डिमरापाल मेडिकल कॉलेज की स्थापना तत्कालीन भाजपा सरकार ने की थी, लेकिन कुछ दिन बाद लगभग बंद हो गई थी। भूपेश सरकार ने इसे 6 महीने में ही दोबारा उसके पूर्ववत स्थिति में लाने की बात कही थी, लेकिन आज तक सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। लोगों को कांग्रेस सरकार से काफी उम्मीद थी, लेकिन अब निराश होना पड़ रहा है। यहाँ के महारानी हॉस्पिटल के बारे में उन्होंने जो बात कही है, जैसे पहले इलाज होता था वैसी व्यवस्था 6 महीने के भीतर होनी चाहिए, मैंने कलेक्टर को भी कह दिया है, वही व्यवस्था होना चाहिए जो पहले होता था। आप डिमरापाल में करिए व्यवस्था, वहाँ मेडिकल कॉलेज में खोलिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो भी खुलना चाहिए, लेकिन जगदलपुर में महारानी में जैसे पहले इलाज होता था उसी प्रकार के इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, ये मैंने कहा। प्रयास किया जा रहा है आने वाले जल्द समय में शहर के लोगों को ओपीडी का जो समस्या था, ओपीडी एक नया बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें सर्व सुविधा युक्त स्वास्थ्य लोगों को देने के लिए सरकार हमारी पहल कर रही है। और सीएम साहब ने ऐलान भी किया था कि प्रदेश में सरकार बनने के 6 महीने बाद यहाँ के जो महारानी अस्पताल है उसको 100 बिस्तरों का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ रमन सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सीधा साफ कहा था कि कोई महाराणा हॉस्पिटल बंद होने वाला नहीं है, ये जिला हॉस्पिटल रहेगा, वो तो संभागीय हॉस्पिटल है, वहाँ के बड़े बड़े जगह जगह से लोग वहाँ पे इलाज कराने आ रहे हैं, इसको बंद हमने नहीं किया था। ये तो कांग्रेस के लोग बेतुका आरोप लगाते थे कि महाराणा हॉस्पिटल बंद हो गया है। और रहा बात आपका बात रखने का कि 300 बिस्तर का हॉस्पिटल का जो आपने जो विषय रखा है, 100 बिस्तर का हॉस्पिटल चालू तो करो पहले।